क्राइम को अंजाम देने के फिल्मी किस्सों को हकीकत बनते तो आपने देखा होगा, लेकिन आज हम आपको पुलिस के एक्शन की जो कहानी बताने जा रहे हैं वो किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं। 100 किलोमीटर तक पीछा, मंदिर मस्जिद में अनाउंसमेंट और आखिरकार रेलवे स्टेशन तक पहुंचा रेस्क्यू ऑपरेशन। खत्म हुआ और 7 साल के मासूम को उसके परिवार से मिलवा दिया गया। क्राइम रिपोर्ट में आज बात अपहरण की उस घटना की जिसको सुलझाने के लिए दिल्ली पुलिस ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। नमस्कार, मेरा नाम है मेघना सचदेवा, आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। दिल्ली के नेहरू विहार में रहने वाले एक परिवार के होश उड़ गए जब उन्हें पता लगा कि उनका 7 साल का मासूम बेटा गायब है। परिवार को पता लगा कि पड़ोसी ने ही बच्चे को अगवा किया है। दोनों पड़ोसियों के बीच अक्सर विवाद भी रहता था। बच्चे के परिवार का दिल घबरा गया कि पड़ोसी बच्चे को नुकसान ना पहुंचा दे। इसके बाद परिवार वालों ने दयालपुर पुलिस स्टेशन को PCR कॉल कर वारदात की जानकारी दी। पुलिस मौके पर पहुंच गई। बच्चे को बचाने के लिए एक पुलिस टीम का गठन किया गया। इसके बाद आसपास के सभी CCTV कैमरों की जांच की गई। उसमें संदिग्ध को बच्चे को ले जाते हुए देखा गया। इसके बाद आरोपी के मोबाइल को सर्विलांस पर लगाकर देखा गया तो उसकी लोकेशन उत्तर प्रदेश के संभल के गंगा नदी तट पर कलकत्ती मंदिर में पाई गई। जांच के दौरान पुलिस को पता लगा कि वीरेश जो कि कथित तौर पर पीड़ित परिवार से पैसे इतना चाहता था और दुश्मनी भी थी, उसे उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के एक मंदिर में ले गया था। इसके बाद पुलिस टीम वहां पहुंच गई। इलाके में धर्मशालाओं और मंदिरों की तलाशी तक ली गई। पीड़ित के बारे में घोषणा भी करवाई गई। पुलिस अधिकारी ने बताया कि बाद में उन्होंने संभल से 60 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश के राजघाट गांव में आरोपी की लोकेशन का पता लगा लिया। इसके बाद वहां सरपंच से संपर्क किया गया। 16 मार्च को आरोपी की गतिविधि के बारे में एक गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस संभल रेलवे स्टेशन पहुंची। वहां पुलिस को देखकर वीरेश बच्चे को छोड़कर भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन पुलिस टीम ने उस पर काबू पा लिया, उसे तुरंत पकड़ लिया गया। पीड़ित ने अपने बयान में कहा कि आरोपी ने उसके माता पिता को फोन किया, पैसे की मांग भी की थी, इतना ही नहीं उसे गंगा में डुबोने की कोशिश भी की थी। लड़के के बयान के आधार पर इस मामले में IPC की धारा 364A फिरौती के लिए अपहरण और 307 यानी हत्या का प्रयास जोड़ी गई। पुलिस के मुताबिक वीरेश ने अपराध भी कबूल कर लिया है। उसने खुलासा किया कि लड़के के परिवार को सबक सिखाने के लिए उसने बच्चे का अपहरण किया था। DCP ने बताया कि अपहरण के 72 घंटों के अंदर पीड़ित को उसके परिवार से वापस मिला दिया गया। आरोपी को उसी दिन गिरफ्तार कर लिया गया। तो ऐसे पुलिस ने 100 किलोमीटर का सफर तय किया और आखिरकार रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा किया। बच्चे को बरामद कर लिया, आरोपी को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। फिलहाल के लिए क्राइम रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।